नमस्कार, 10 कदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। शुरुआत करते हैं, बात करते हैं पेपर लीक के मुद्दे की। लोकसभा चुनाव में पेपर लीक का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया था और इसका असर चुनाव में दिखाई दिया और इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ पेपर लीक पर अब सख्त हो गए हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए योगी सरकार नया कानून लाएगी जिसमें पेपर लीक और सॉल्वर गैंग जैसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है और इसके साथ ही सभी विभागों में खाली पदों पर चयन प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया है। सीएम ने कहा है कि चयन प्रक्रियाओं में व्यापक सुधार पर जोर दिया जाए। साथ ही सीएम ने यह भी कहा है कि चयन प्रक्रिया को निर्धारित समय अवधि में पूरा किया जाए। सीएम ने कहा है कि अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग एजेंसी का उपयोग किया जाए। हर पाली में दो या अधिक पेपर सेट जरूर होने चाहिए और उसके लिए हर सेट के लिए प्रश्न पत्र की छपाई भी अलग अलग एजेंसी के माध्यम से कराई जानी चाहिए। तो सीएम योगी काफी सख्त हो गए हैं क्योंकि पेपर लीक का मुद्दा ऐसा छाया रहा जिसका असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है और उसको लेकर अब सीएम योगी साफ तौर से सख्त नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और बहुत जल्द अब एक नया कानून देखने को मिल सकता है उत्तर प्रदेश में जिसमें कानून बनाया जा सकता है। और प्रवीण पांडे हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला लखनऊ से, राजकुमार दीक्षित सीतापुर से, प्रमोद गौड़ कुशीनगर से। सबसे पहले मयूर का जरा रुख करते हैं। मयूर, सबसे बड़ी बात यह है कि अब सीएम सख्त नजर आ रहे हैं और जाहिर सी बात है पेपर लीक ऐसा मुद्दा था जो लोकसभा चुनाव में दिखा और उसका असर रिजल्ट में भी देखने को मिला है। अब माना जाए बहुत जल्दी अब नया कानून देखने को मिलेगा जैसा उत्तराखंड में भी है। बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव में जो हार हुई है, जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में, जिसके बाद हार की समीक्षा की गई तो उसमें जो बड़ी बात निकल के आई कि जो पेपर लीक का मामला था उसको विपक्ष ने भी भुनाने की कोशिश किया और उसका असर भी देखने को मिला। तमाम सीटें हारी है भारतीय जनता पार्टी उस विषय की वजह से। तो ऐसे में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाम को 6 बजे जितने भी विभाग हैं उनके पदाधिकारियों को बुलवाया था, उनके साथ बैठक की थी और सभी से उनके विभाग में रिक्त पद कितने हैं इसकी जानकारी जो है वो मांगी गई है और उनको निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द ये सभी विभागों में जो रिक्त पद हैं वो भरे जाएं। इसी के साथ कई सारे कानून बनाने की भी उन्होंने बात की है क्योंकि जो पेपर लीक होता था उसके बाद जिस तरीके से कार्रवाई पहले के समय में होती रही है, सॉल्वर गैंग उसके बाद दोबारा सक्रिय हो जाते हैं, तो अब ऐसे में सॉल्वर जो गैंग्स हैं उनको पूरी तरीके से देखते हैं लोगों की इस बार क्या प्रतिक्रिया है। रुक करते हैं जरा प्रवीण का। प्रवीण, अब लोग क्या कह रहे हैं इसको लेकर, क्योंकि अब बहुत जल्दी सख्त कानून बनने वाला है इसको लेकर और सीएम योगी काफी सख्त भी हैं और दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं। प्रवीण जी, बेशक बताना चाहेंगे, तमाम छात्र एवं छात्राएं यहाँ पे मौजूद हैं। जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल बैठा कि उसके बाद में कई ऐसे कानून बनाए जो छात्रों छात्राओं के लिए मतलब उनके हित के लिए, यानी अभ्यर्थी लगातार परीक्षा देते हैं और सरकारें आई यहाँ पर लगातार गई, 10-10 साल बीत जाते हैं, बच्चे परीक्षा जो परीक्षार्थी है वो अपने वैकेंसी का इंतजार करते हैं, उसके बाद में एक मैसेज परीक्षा लीक का आता है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। ऐसे तमाम छात्र छात्राएं उनसे ही बातचीत करते हैं कि जो नया कानून बनाए, यानी 2 से अधिक पेपर के सेट बनेंगे, अलग अलग एजेंसियां इसकी छपाई करेंगी, अब प्राइवेट जो सेंटर है वो नहीं बनाए जाएंगे, यानी सरकारी सेंटर ही रहेंगे, इस पे जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो क्या सोचते हैं? क्या नाम है आपका? प्रज्ञा। अब इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख लिया कल बैठक में, उन्होंने कहा कि पेपर के कई सेट बनेंगे, सरकारी जो एजेंसियां हैं वो अलग अलग पेपर की छपाई करेंगी, सेंटर भी सरकारी, क्या कहेंगे इस पे आप? दो पेपर होने चाहिए और सरकारी स्कूल होने चाहिए। प्राइवेट में हम लोग एग्जाम देने जाते हैं और वापस आते हैं, घर पहुंच भी नहीं पाते हैं, पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, हम लोग ओवर एज हुए जा रहे हैं और हम लोग परेशान हैं, मतलब घर वाले भी प्रेशर दे रहे हैं शादी के लिए, हम लोग पढ़ाई क्या क्या बहाने बनाए घर वालों से, हम लोग बहुत ही ज्यादा परेशान है। इस सरकार से हम लोग चाहते हैं कि सरकार चेंज हो, अखिलेश यादव की सरकार बने। चलिए, क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं कि अब नया कानून आ रहा है परीक्षा को लेके, यानी पेपर के कई सेट बनेंगे, सेंटर जो होंगे वो सरकारी होंगे, प्राइवेट सेंटर नहीं रखे जाएंगे, क्या कहना आपका?
मेरा ये मानना है कि अगर जो सेंटर बने तो मतलब जो परीक्षा एकदम पारदर्शी तरीके से हो, वो प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट में हो, पर कोई किसी प्रकार की धांधली नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि हम लोग पेपर दे के आते हैं, 5 साल बाद तो मौका आता है, फिर जब हम घर में आते हैं देखते हैं कि परीक्षा रद्द हो गई। तो अगर उनका चुनाव इतनी अच्छी तरीके से हो सकता है तो हमारी परीक्षा क्यों नहीं इतनी अच्छे से हो सकती? मतलब ये तो बच्चों के साथ खिलवाड़ है ना, अपनी उनकी कोई गड़बड़ी नहीं होती है कभी भी। तो इसलिए हमारी परीक्षा और समय से वैकेंसियां एकदम निष्पक्ष होना चाहिए। और 6-6 साल निकल जाते हैं, कभी हम लोग ORH हो रहे हैं, मतलब 5-5 साल हम लोगों को मौका ही नहीं मिलता है कि मतलब, नहीं तो BEd BTC बंद होनी चाहिए। मतलब अगर उनके पास कोई डाटा नहीं है, 5-5 साल हो जाते हैं, क्या टीचिंग सेक्टर में कोई वैकेंसी खाली नहीं? रिटायरमेंट होते हैं, उनका मानना बस यही रहता है कि टीचर शिक्षक अनुपात बराबर चल रहा है, तो इसका सब ये क्या मतलब है? इसलिए अगर वो काम सही नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो हम प्रवीण और लोगों से भी बातचीत करिए। और ठीक है प्रवीण, आपके पास रुक करेंगे, जरा राजकुमार दीक्षित का भी रुक कर लेते हैं। राजकुमार, वहां आपके पास भी क्या लोग मौजूद हैं, क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल दीपाली, मैं लोगों से बात कर लेता हूँ क्या कहेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा की है। अब जो पेपर होंगे वो अलग अलग जगह पर उनकी छपाई होगी और सरकारी कॉलेज में परीक्षा होगी, क्या सोचती है? बिल्कुल, देखिए मेरा मानना है कि किसी भी देश की मजबूती एक कारण, अहम कारण उसका एजुकेशन सिस्टम भी होता है। और विश्व गुरु अगर माना जाता था भारत, तो इसी वजह से कि एजुकेशन सिस्टम सही था। अभी देखने में रिसेंटली बहुत सारी चीजें, कभी भी कोई पेपर लीक हो जा रहा है, अक्सर पेपर लीक हो जा रहा है, तो इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट इस इलेक्शन पे पड़ा है, गवर्नमेंट पे पड़ा है। और ये अच्छा स्टेप होगा कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाए। उससे एक ये भी है कि थोड़ा सा प्रेशर उन पे रहता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, तो मे बी मुझे लगता है कि वो ज्यादा सही है। आप क्या सोचते हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि परीक्षाएं जो होती है और परीक्षा जो है, परीक्षार्थी जो परीक्षा देने आते हैं उनका पूरा परिवार साथ में आता है, और उसके बाद पेपर जब लीक हो जाता है और परीक्षा निरस्त कर दी जाती है, तो संपूर्ण परिवार का समझ लीजिए बेसहारा हो जाता है। सीएम का ये एक्शन सही है? सीएम का एक्शन सही है, मगर ये धरातल पर उतरे, यही मैं कहना चाहता हूँ। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल सही तो सर ने कहा, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अगर कोई भी निर्णय लिया गया है तो उस पर जो है कार्यवाही जो होनी चाहिए वो उनको एग्जैक्ट होनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, लॉस स्टूडेंट का होता है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट का लॉस होता है, प्लस गार्जियन का जो पैसा इन्वेस्ट होता है भाई आने जाने का, यहाँ पे अगर गार्जियन खड़ा है तो उसका समय भी तो जा रहा है ना। जी, हमने जो एक्शन लिया है इससे क्या कहेंगे? ठीक है राजकुमार, लॉजिक आपके पास, तो लोगों का ये कहना जो सीएम ने एक्शन ले रहे हैं वो धरातल पर भी दिखना चाहिए। प्रमोद का रुख करते हैं, प्रमोद वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पे लोग हैं, आपका क्या नाम है? अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार परीक्षाओं को लेकर सख्ती बरती है, उन्होंने कहा है कि अब परीक्षा केंद्रों पे CCTV लगाए जाएंगे, सुरक्षा की निगरानी और तमाम ऐसी व्यवस्थाएं सख्त की जाएंगी जिससे जैसे जो पिछले पेपर लिखा वगैरह हो तो वैसे ना। आप क्या सोचते हैं? हम यही सोचते हैं कि जो सरकार ने निर्णय लिया है, हम यही सोचते हैं कि जो सरकार निर्णय लिया है उस तो बहुत ही अच्छा कदम है, और बिल्कुल सरकार के इस फैसले को हम लोग पूर्ण समर्थन करते हैं, और अच्छा ही निर्णय लिया है सरकार जो लिया है, छात्रों के और जितने भी मतलब कि जो छात्र परीक्षा दिलवाने आए हैं। जी सर, सरकार कह रही है कि परीक्षाओं पर किसी तरह की लापरवाही बरता है, क्योंकि सरकार ने भी सख्ती, इसको लेकर आप क्या कहना? वो सरकार बरती है ना कि नहीं है? अभी अगली बार पेपर दिया UP भी, उसके सरकार ने 4 को तो पेपर लीक हो चुका है, कि सरकार पे पूरे भरोसा नहीं है, सिर्फ नाम करा गया है। इतने बुलडोजर चल रहे हैं परीक्षा पर, इतने धांधली हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ये भी पेपर होगा कि नहीं होगा, सिर्फ देने आए हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है इस सरकार ने। अच्छा आप आइएगा, परीक्षा को लेकर नया कानून बनाने की बात योगी जी कर रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कह रहे हैं? इसको लेकर तो बेटर ही है, देखिए इसमें सरकार कौन सी बन रही है, एक तो परीक्षा स्थगित कर ही दिया गया है, और देखिए नया नियम कानून क्या चल रहा है, बस इसी में मेरा यही कहना है बस। आप क्या सोचते हैं? सरकार बेहतर काम कर रही है, और परीक्षा जितने भी देने आए हैं बच्चे बढ़िया परीक्षा दें, अच्छा हो। ठीक है प्रमोद, लौटेंगे आपके पास। मयूर का रुख करते हैं, मयूर सब जगह बात की और सबकी एक ही बात ये समझ में जरूर आ रही है कि ये कानून तो आ रहा है, इस पर सख्ती भी बढ़ती जा रही है, लेकिन धरातल पर उतरे तब बेहतर होगा।
ना बिल्कुल देखिए, अधिकारियों को इसमें सक्रिय भूमिका निभानी होगी। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को निर्देश देने से बेहतर समझा कि अधिकारियों को बुलाकर खुद उनको सख्त निर्देश दिए जाएं कि परीक्षा तो आप खूब करवाते हैं, एसटीएफ भी सक्रिय रहता है, लेकिन इस तरीके से पेपर लीक कैसे हो जाता है, आगे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। क्योंकि जो स्टूडेंट्स को हम सुन रहे थे वो सब हताश निराश हैं, चार चार साल मेहनत करते हैं, 3 से 4 बार पेपर देते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं बल्कि जो उनकी फैमिली है वो भी उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, तो डिमोरलाइज होते हैं बच्चे। लेकिन अब नौकरियों की बहार उत्तर प्रदेश में आने वाली है, ये बात तो स्पष्ट है, लेकिन नौकरियां निकलती हैं, उनके एग्जामिनेशन होते हैं, सफलतापूर्वक नौकरी बच्चों को स्टूडेंट्स को मिल जाए ये बड़ी बात होती है। तो इस पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तिरछी नज़र है कि अब किसी ने अगर लापरवाही की, चाहे वो पुलिस विभाग से हो या फिर जो अलग अलग विभाग में भर्तियाँ होनी है या फिर जो भर्ती बोर्ड हैं, अगर कोई लापरवाही करेंगे, इस तरीके के मामले सामने आएंगे तो बख्शे वो भी नहीं जाएंगे, जो दोषी है उनके ऊपर तो कार्रवाई होगी लेकिन अधिकारी को भी इसमें लपेटा जाएगा। तो ऐसे में सख्त निर्देश है कि अगर अब ऐसी कोई हरकत होती है, हालांकि आश्वासन जरूर दिया गया है लेकिन जनता को भरोसा भी करना होगा, क्योंकि अब निर्देश जो दिए गए हैं, क्योंकि जो हार हुई है लोकसभा चुनाव में, जनता से जरा जान लेते हैं प्रवीण का, एक बार फिर से रोक कर लेते हैं प्रवीण, अब जो आपके साथ हैं लड़कियां जो हैं वो अब खुश नजर आ रही हैं क्योंकि फिर से अब वैकेंसी भी निकलने वाली है बहुत जल्दी। कोशिश ये है सरकार की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके, इसलिए बहुत जल्दी जो खाली पद हैं उन्हें भरा भी जाएगा तो वैकेंसी देखने को मिलेगी। दीपाली बिल्कुल बताना चाहेंगे, क्योंकि बच्चे अभी हमारे साथी मयूर ने बताया कि बच्चों के साथ में अब मतलब घर वाले भी परेशान है, यानी पेरेंट्स भी परेशान है कि वैकेंसी आती है और परीक्षाएं लीक हो जाती हैं। ऐसे में लोगों को भरोसा, छात्र छात्राओं को भरोसा तब होगा जब ये नियम धरातल पर उतरेगा। यानी मुख्यमंत्री ने तो अध्यादेश जारी कर दिया लेकिन निचले स्तर पे ये कितनी कड़ाई से पालन होता है तो इसका असर देखने को कब मिलेगा, ये परीक्षाएं होंगी उसके बाद तय हो पाएगा। तमाम छात्र मौजूद है, परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री नए कानून बनाए, क्या कहेंगे आप? कानून बनाई अच्छी बात है लेकिन परीक्षा निष्पक्ष होनी चाहिए, और जब परीक्षाएं होती जैसे पुलिस की भर्ती इतनी बड़ी धांधली उसमें इतना बड़े पैमाने पे लीक हुआ, ये अच्छी बात नहीं है। उसके बाद बहुत लंबे समय के इंतजार का वैकेंसी आती है तो हम लोग कोई मतलब नहीं रहता है। बहुत से बच्चे तो क्या करते हैं कि रास्ता ही बदल लेते हैं, पढ़ पढ़ के बेचारे परेशान हो जाते हैं कहाँ जाए। तो सरकार को चाहिए कि टाइम से वैकेंसी दे और निष्पक्ष करवाए और सही से अपना चलाए। मुख्यमंत्री ने नया कानून लाया, सख्ती दिखाएंगे, नकल माफियों के खिलाफ सख्ती होगी, परीक्षा लीक जो कराएगा उनकी खिलाफ सख्ती, क्या कहेंगे? देखिए कोई भी संस्था परीक्षा कराए, चाहे प्राइवेट हो और चाहे गवर्नमेंट, हमें ये चाहिए कि हमारा पेपर निष्पक्ष होना चाहिए, हम लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। आज यूपी जो है बेरोजगारी में नंबर एक पर है, अभी ILO की एक रिपोर्ट आई है जिसमें 83% युवा बेरोजगार हो चुका है। हम बताइए कब से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल घर से पैसे मंगाते हैं, कोई भी काम करते हैं, घर वाले फोन करते हैं कब होगा, हम बताइए घर वालों क्या बताएं कब, मतलब वैकेंसी नहीं है। 6 साल से आज टीचर की भर्ती नहीं आई है, सुपरटेंड नहीं हुआ है, 2 साल से शिक्षा सेवा चयन आयोग बन रहा है, अभी बन नहीं पा रहा, उसका अध्यक्ष नहीं मिल रहा योगी जी को, बताइए अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, बीजेपी के एक भी नेता ने रोजगार शब्द नहीं बोला है, और विपक्ष में के हर नेता ने, चाहे राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश हो, हर रैली में ठीक है, ठीक है। प्रवीण लौटेंगे आपके पास, लोगों की यही समस्या रही, यही छात्रों की समस्या रही जिसका असर चुनाव में देखने को भी मिला है। एक बार फिर से राजकुमार का रुख करते हैं, राजकुमार और जरा लोगों से बातचीत करिए, क्या उनकी और राय है? आपकी क्या राय है? जो पेपर लीक वगैरह होता था मुख्यमंत्री जी सख्त है, उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, क्या कहना? जैसे कि उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब पेपर लीक होता है तो एक से बच्चा ही नहीं, उसका पूरा परिवार, उसका समाज, क्योंकि मध्यम वर्ग के लिए नौकरी बहुत जरूरी होती है। और कोई पेपर जैसे कि अभी थोड़ी दिन पहले यूपीएससी का पेपर हुआ था, पेपर बच्चे देकर घर आए ही नहीं, उनको पता चले पेपर लीक हुआ है। इन सब चीजों की सरकार पे बहुत ज्यादा बहुत फर्क पड़ता है। आप क्या कहेंगे और क्या कहना चाहेंगे कि ये सरकार अब एक्शन लेने जा रही है? दो सामने जा ऐसे बहुत सारे एक्शन लिए जाते हैं बट 100% को लागू नहीं हो पाते हैं, जैसे कुछ पॉलिसी है जैसे BEd DT की, टीचर को टीचर बनना है, कभी कर रहा है कभी BCC कर रहा है, पहले पढ़ता है कोचिंग में पैसा इन्वेस्ट करता है, वहाँ मेहनत करता है, फिर आके एग्जाम देता है, फिर वो पकड़ लगता है। जॉब मिलना तो बात की बात है, उनकी जो कैटेगरी बनेगी वो बात की बात है, या तो पेपर पास नहीं हो पा रहे। ठीक है, कह सकते हैं शुरुआत हो रही है और सीएम योगी इसी वजह से सख्त नजर भी आ रहे हैं। राजकुमार लौटेंगे आपका, एक बार फिर से प्रमोद का रुख करते हैं। प्रमोद, और क्या लोग सोच रहे हैं, क्या इस बात से अब थोड़े संतुष्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि वैकेंसी भी ज्यादा से ज्यादा निकालने की कोशिश है कि जो लोगों को रोजगार दिया जा सके, जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा उससे अब संतुष्ट नजर आए हैं, जिसके लिए वैकेंसी बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल देखिए, आज
उत्तर प्रदेश में बीएड प्रवेश की है और यहाँ पे बिहार से तकरीबन कई छात्र आए हैं और साथ ही उनके परिजन भी आए हैं। एक हमारे साथ अंकल जी हैं जो कटिहार से आए हैं और एक बाइक से सफर करके आए हैं। परीक्षा आज चल रही है और साथ में परीक्षाओं को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ऊपर सख्ती हो रही है कि नया कानून बनाया जाएगा, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं की जाएगी जैसे पेपर लीक ना। आप क्या सोचते हैं सरकार? देखिए सरकार अपनी जगह है और स्टूडेंट अपनी जगह है। जो स्टूडेंट मेहनत करेगा वो सफल होगा, जो मेहनत नहीं करेगा वो असफल होगा। सरकार अपनी जगह है, सरकार अपना काम कर रही है, स्टूडेंट को अपना काम करना है। जो पढ़ाई करेगा वो सफल होगा निश्चित रूप, चाहे सरकार कोई भी हो। वैकेंसी भी सरकार अब निकालने जा रही है, वैकेंसी निकालेगी। जो मेहनती लड़का है सफल होगा तो वैकेंसी उसका इंतजार करेगी। लंबे समय से वैकेंसी सरकार नहीं निकाली, तब लोकसभा का चुनाव भी है, इस पे अब सरकार वैकेंसी निकाल, इस पे आप लोग क्या सोचते हैं इस पर? अब तो अभी नया सरकार अभी बना हुआ है। ठीक है, ठीक है प्रमोद।